डेफिनेटली नेपाल की जो लोकेशंस हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है, उनकी जो उनसे सिटीज हैं खूबसूरत होंगी, लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, को एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेटली वो हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं साथ साथ, इसीलिए तो वहाँ इंडिया के जो विजिटर है वहाँ पर गए हैं, उनकी इकानमी स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि वो पहले 5वें नंबर पर थे और सुनने में अभी आ रहा है कल परसों की ये न्यूज़ है कि भाई वो 4थे नंबर पर आ गए, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखें सबसे ज़्यादा इंडिया की डेवलपमेंट की मेन जो मतलब कि लॉजिक हमें नज़र आता है ना वो इकॉनमी ही है। अब देखें 72 कंट्रीज़ में उनकी इकॉनमी जाती है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 72 कंट्रीज़ में आपकी इकॉनमी यूज़ हो रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, फ्लॉप है। शाबाश। क्यों मतलब कह रहे 75 कंट्रीज में इंडिया की जो करेंसी यूज होती है 72 कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी तो इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान का 75 का नोट जो पाकिस्तान में नहीं चलता। सही बात, आप खुद अंदाज़ा के तलवे चाटने जब छोड़ देंगे ना तब हम स्ट्रांग होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और मैं वैसे पर्सनली अगर कहूँ ना कि मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर अच्छा लगता है तो वो नरेंद्र मोदी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से आज का वीडियो लिया गया है। तो आज नैला पाकिस्तानी ने एक और काफी अच्छा वीडियो, मुझे अब तक का सबसे अच्छा वीडियो उनका इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने आज इंडियन विजिटर जो पहले श्रीलंका मालदीव और छोटे छोटे कंट्री को कंट्रीब्यूट करते थे, जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते थे वहाँ पे लोग जाके एक्सपेंड करते थे, छुट्टियां बिताते थे, वैसे ही आज नेपाल भी इसमें शामिल हो चुका है और भारत के जो टूरिस्ट है वो नेपाल में भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग जा रहे हैं। तो इसको देख करके पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। भारत के लोगों ने अब पड़ोसी मुल्कों में भी बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका के बाद अब सहारा है नेपाल को सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। खबर ये है कि 25,500 के करीब जो टूरिस्ट हैं उन्होंने नेपाल को विजिट किया और ये नेपाल की टूरिस्ट मार्केट का डाटा है जो हम आपके साथ शेयर करें हैं। मतलब ये कि 100 में से 25% जो लोग थे जिन्होंने नेपाल को विजिट किया वो सारे के सारे क्या थे, 25% इंडियंस थे। इंडिया की जो क्लास है, अमीर लोगों की क्लास है, जो मिडिल लोगों की क्लास है, दोस्तों हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और इसका बहुत बड़ा सबूत है इंडिया के जो टूरिस्ट हैं। मालदीव का आपको याद होगा, जब इंडिया ने मालदीव को बायकॉट किया मालदीव की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई, उनके पास कोई पैसा नहीं और कोई मालदीव के साथ बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन किस्मत चमकी है श्रीलंका के बाद, अब जी नेपाल की। लेकिन बात यहाँ पर पाकिस्तान की है कि भारत जो टूरिस्ट है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता, क्या वजूहत है? यहाँ पर सनातन धर्म की अगर बात करें बहुत से तारीखी मंदिर हैं लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता, यहाँ पर कोई भी जो टूरिस्ट है अपने आप को सेफ क्यों नहीं फील करता? लेकिन भारतीय देखिए कोविड के बाद पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनके GDP में एक पॉजिटिव रोल जो है प्ले कर रहे हैं। अवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं राय। डेफिनेटली नेपाल की जो लोकेशंस हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है, उनकी जो उनसे सिटीज हैं खूबसूरत होंगी, लोग वहाँ पे विजिट करने जाते हैं, को एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेटली वो हर चीज़ को लेकर चल रहे हैं साथ साथ, इसीलिए तो वहाँ इंडिया के जो विजिटर है वहाँ पर गए हैं। रही बात इंडिया की, इंडिया जिस तरह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, IT सेक्टर में देख लें, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर में देख लें, फिर उसके बाद आप उनकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, फिर उसके बाद उनके मुआशियात देख लें, उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें वो तरक्की नहीं कर रहे। उसका रीज़न ये है कि यार इंडिया ना एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, दूसरे नंबर पर इंडिया के पास जो है ना प्लेटफॉर्म वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें जब आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं ना हो अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं और वो टैलेंट जो चूज़ किया जाता है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया का नाम रोशन करता है। यूनिटी की भी बात करें, जब तक इंडियन मालदीव जा रहे थे तो मालदीव एक बड़ी स्टेबल इकोनॉमी थी, अच्छा मुल्क चल रहा था। जैसे ही लक्षद्वीप और मालदीव की कॉन्ट्रावर्सी हुई, इंडियंस ने मालदीव को बायकॉट किया। आज जो है मोहम्मद मुइजी जो है वो एक क्राइसिस में जा रहा है, उसकी इकोनॉमी का जो है कहते हैं ना बेड़ा गर्क हो गया, कभी चाइना से मदद मांग रहे हैं। तो उनकी जो यूनिटी है या उनकी जो एक पावर है वो किसी भी मुल्क को बना भी सकती है और किसी भी मुल्क को गिरा भी सकती है। देखिए पैसा जो है ना बड़ा कुछ कर सकता है। अच्छा पैसा है, मतलब पैसे की ना बहुत वर्थ और पावर है, टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल देखा जाए आप कहीं भी चले जाएं पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि वो पहले 5वें नंबर पे थे और सुनने में अभी आ रहा है कल परसों की ये न्यूज़ है कि भाई वो 4थे नंबर पे आ गए, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं।
तो देखें सबसे ज्यादा इंडिया की डेवलपमेंट की मेन जो मतलब लॉजिक हमें नजर आता है ना वो इकोनॉमी ही है। अब देखें 72 कंट्रीज में उनकी इकोनॉमी जाती है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 72 कंट्रीज में आपकी इकोनॉमी यूज हो रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, फ्लॉप है। क्यों? मतलब 75 कंट्रीज में इंडिया की जो करेंसी यूज होती है 72 कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी तो इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान का 75 का नोट जो पाकिस्तान में नहीं चलता। सही बात, आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि पाकिस्तान जैसा मर्जी है फिर भी अमीर है और इंडिया के जो लोग हैं वो गरीब है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए पड़ोसी मुल्कों में तो जो विजिटर इंडिया से ही जाते हैं। बिल्कुल, ये बात तो की नहीं जाती, ये तो आज से 10 साल पहले की जाती थी जब नरेंद्र मोदी ने इकतदार नहीं संभाला था। जब से नरेंद्र मोदी ने इकतदार संभाला है तब से तो ये स्टेटमेंट टोटली अपोजिट हो गई है। हाँ। अब पाकिस्तान बहुत ज्यादा मतलब कि वो पॉवर्टी की तरफ जाता जा रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो उसमें टोटली पॉवर्टी खत्म होती जा रही है। दोस्तों मैं रिपोर्ट पढ़ी थी कि 1.5 से 2% जो है बिलियनियर्स वहां पर जी पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखें उनकी सबसे ज्यादा उनका वो ना स्मार्ट वर्क करते हैं, वो एक टूरिज्म इंडस्ट्री को उनका मेन जो मतलब कि अपनी इकोनॉमी को पॉलिश करने का जो लॉजिक है ना वो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। अभी देखें उन्होंने मालदीव को टक्कर दी लक्षद्वीप की, उसके अलावा और उन्होंने इस तरह की मतलब कि या टेंपल वगैरह इस तरह के बनाते हैं, या देखें उन्होंने जो मंदिर वगैरह बनाते हैं ना उनमें उनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का। अभी आप ये इसकी मुकेश अंबानी के बेटे की अनंत अंबानी की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी को देख लें, इसमें भी हाँ हमारे टोटल बजट से भारी है। देखें उसके उनके ये शादी नहीं थी, एक इवेंट नहीं था, इससे मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होंगी। अब देखें बिल गेट्स आया, मार्क जुकरबर्ग आया और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेसमैन आए हैं, वो वहाँ जाके ना सिर्फ और सिर्फ एक शादी अटेंड करने नहीं गए। जब देखें नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठेगा वो देखें अब बिल गेट्स ने जाके वो डॉली वाले के पास चाय पी, वो पब्लिक को देखा मिला, वो इन जगह को देखेंगे सब कुछ और वहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप करेंगे। और इससे किसको फायदा होगा? ऑब्वियसली इंडिया को फायदा होगा। जब श्रीलंका डूब रहा था तो इंडिया के जो विजिटर थे उन्होंने श्रीलंका को विजिट किया, उनके कल्चर को एक्सप्लोर किया, तो उनकी इकोनॉमी में पैसा आया और उनकी गुर्बत निकली। अब नेपाल में आप देख लें कि 25,500 सिर्फ इंडियंस ही गए हैं वहां पर। अब पाकिस्तान की बात कर, यहां पे भी बहुत से मंदिर है, पुराने मंदिर है, लेकिन जो इंडिया का जो विजिटर है वो पाकिस्तान को चूज क्यों नहीं करता? देखें पाकिस्तान के इनके साथ जो अफेयर्स हैं वो फेयर हो जाए तो फिर तो है। अब देखें मैं नहीं समझता कि ये अफेयर्स ठीक होंगे, या मैं मज़ीद इसके ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, कि बस बेहतर यही है कि इस मामले को साइड पे रखें। और पाकिस्तान अगर वैसे मैं कहूँ कि पाकिस्तान इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए ना तो ये दोनों कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। अब देखें हम लोग किन के मोहताज हैं? अंग्रेज़ों की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, अंग्रेज़ों की ये गाड़ियों को आज अगर हम छोड़ के ना इंडिया की मेड इन इंडिया की डिमांड वैसे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ चुकी है, और हम अगर मेड इन इंडिया वाली चीज़ को पाकिस्तान में लेके आए उनकी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करें। आज से 4-5 साल पहले आप देख लें तो ये देखें सब्ज़ी प्याज टमाटर ये लाहौर के साथ ही बॉर्डर लगता है, यहाँ से जब आती थी तो हमें सस्ती मिलती थी 20-30-50 रुपये किलो मिलता था, वही अब 300-400 रुपये किलो मिलता है। उसकी मेन रीज़न यही है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड ख़त्म कर दी है। ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ सब्जियों तक नहीं होनी चाहिए, गाड़ियों तक होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग की होनी चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी उनकी भी। हम अंग्रेज़ों के तलवे चाटे जब छोड़ देंगे ना तब हम स्ट्रांग होंगे। सही बात है, पड़ोसियों के बगैर जीना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमारा उनके साथ चोली दामन के साथ है, जब हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर हम भी डूबते हुए दिखाई देंगे, और वो तो ऑब्वियसली ऊपर जा रहे हैं, वो तो हैं स्ट्रांग, तो वो उसकी मेन रीज़न यही है नरेंद्र मोदी। और मैं वैसे पर्सनली अगर कहूँ ना कि मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर अच्छा लगता है तो वो नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान की अक्सर यूथ यही कहती है कि यार नहीं इमरान खान। बात भी तो है ना, एक बात है जिसकी वजह से पाकिस्तानी यूथ अट्रैक्ट हो रही है। कोई भी यूथ नहीं अट्रैक्ट नहीं हो रही है सिवाय मेरे, यहाँ पे आप 100 मुझे बहुत फैन मिलते हैं, 100 बंदे पूछ लें कोई थोड़े बहुत ही होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा ग्रेट लीडर मैंने कभी नहीं देखा यार। 2014 से वो आया, मुझे उसको पूरे टेन्योर याद है, 26 मई को वो आया था 2014 में, तब मशहूर था कि इंडिया में यार लोगों को लोग हाफ कपड़े पहनते थे ना, लोग कहते दूसरे कंट्रीज मजाक उड़ाते थे, कहते यार इनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, वॉशरूम नहीं है इनके पास। अब वही कंट्री है यार, वो पूरे मतलब कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, 5वीं क्या 4थी बड़ी इकॉनमी यार। दम तो है, दम तो है, मोदी की पावर है। सबसे पहले देखा जाए तो किसी भी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए मैनेजमेंट जो होती है वो काफ़ी अच्छा किरदार अदा करती है।
तो अगर इस मतलब टूरिस्ट की आप बात करें तो सबसे पहली बात है कि इन्वेस्टमेंट की आपने बात की, तो इन्वेस्टर हमेशा, क्योंकि इन्वेस्टर एज अ बिजनेस मैन सोचेगा, और अगर आप और मैं भी सोचेंगे तो हम अपना पैसा वहाँ पे लगाएंगे कि जहाँ हमें पता होगा कि हम अगर कुछ लगा रहे हैं तो उसमें कुछ रिटर्न में हमें मिले। लेकिन ये हम तो आज विजिट की बात कर रहे हैं ना, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप सुने। तो उसमें ये है कि अब देखिए पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो देर आर टू मच थिंग्स दैट बिजनेस मैन डू नॉट थिंक दे आर केपेबल टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम। सो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, आप देखें बिजली जैसे 10 बजे के बाद कहा गया कि आप मतलब उसको आप इस तरह नहीं कर सकते। और ये तो अभी चलें बिजनेस की बात अगर साइड पे हम रखते हैं तो टूरिज्म की साइड पे, तो टूरिज्म में हमारे यहाँ पे मरी में गालबन पीछे वाक़ा हुआ था जिसमें हमारी कुछ गाड़ियाँ फंस गई थी, तो उसमें अब वो किसी शायर ने कहा था जिसको भी मौका मिलता है पीता ज़रूर है, शायद बहुत मिठास हमारे लहू में है। तो उसमें इस तरह हुआ कि सब ने फिर अपना करते हुए काफ़ी जाने उसमें गई। तो अब देखें एक टूरिस्ट जब देखता है, एक तो पाकिस्तान की इमेज भी अगर देखी जाए तो रिसेंटली हमारी इमेज काफ़ी ख़राब थी ड्यू टू टेररिज्म, लेकिन चलें अब वो नहीं, FATF में जा चुके हैं, दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट पाकिस्तान है, बॉटम से चौथे नंबर पे है। बिल्कुल वही चीज़ है। तो उसमें जो आपकी टेररिज्म वाली जो चीज़ है वो अब क्योंकि मेरी बात अभी रिसेंटली, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो आउट ऑफ द कंट्री हैं, उनसे बात हो रही, तो जब मैं उन्हें बताता हूँ कि पाकिस्तान, पहला क्वेश्चन वो ये पूछते हैं, अच्छा यार वहाँ पे मतलब उनके जहन में जो इमेज है वो ये है कि इधर गोलियाँ चल रही होंगी ये वो, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स भी है उन्होंने मतलब पॉजिटिवली आके दिखाया यहाँ पे, लेकिन स्टिल ये इमेज जाता है उनके जहन में कि यार पाकिस्तान है अफगानिस्तान से वो जो भी खैर वो थे। सर इमेज ठीक है ना, देखिए जहाँ पर पेशावर होता है जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ईदगाहों में लोग जी अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, चांद रात वाले दिन लोग अपने फैमिलीज के साथ अपने फंक्शंस को मनाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो जो दुनिया सोचती है तो सर वो भी तो फिर गलत नहीं है ना। बिल्कुल अगर इसे इस तनासब, लेकिन अगर रिसेंटली की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम हुआ है, सिर्फ पंजाब में, बस पंजाब में सर केपी के तो डेली ही सुलगता है, बलोचिस्तान आप देखें एक महीने में 86 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए अगर 86 हो रहे हैं तो पहले, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ठीक है, लेकिन ये है कि इसको अब रियासत को अगर देखा जाए तो रियासत एज अ माँ जो बात की जाती है कि रियासत, तो अगर हमारी रियासत हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो वो जो दूसरी चीज़ें हैं जो मतलब एक रियासत के काम होते हैं जैसे आप उसमें हेल्थ आ जाती है आपकी वो चीज़ें, ये हम फिर टूरिज्म वाले उससे हट रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इंडियंस पाकिस्तान क्यों नहीं आते, वहाँ यहाँ पर भी इतने मंदिर हैं, सिक्योरिटीज इशूज आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखें वो उनकी जो एक क्लास है मिडिल क्लास वो कितनी बड़ी है, आपके जेब में पैसा होगा तो आप किसी मुल्क में जाएंगे ना, वीज़ा लगाएंगे, होटलिंग करेंगे, तो सर उनके जो मिडिल क्लास है वो इंक्रीज हो रही है, उनके जो बिलियनेयर है 2% की जो रेशो से वो आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी ख़त्म हो रहा है, वो इतने रिच हो रहे हैं क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसेंटली अगर मिसालों से देखा जाए तो ये अंबानी की जो वेडिंग है उसमें देखें उन्होंने बहुत सारे लोगों को गैदर अप किया, और उसके गैदर अप करने का ये फ़ायदा हुआ कि अब उनको इंडिया का मतलब, एक कहते हैं कि किसी जगह जाना मुश्किल होता है कि आप चले जाएँ तो फिर आगे राहें वो खोल लेते हैं, तो उन्होंने वो अब ये है कि उस साइड पे वो उनका ग्रुप भी एक रिलायंस ग्रुप जो है उस हिसाब से आ जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो आप कह रहे हैं कि इंडियंस यहाँ नहीं आते, तो इसमें मैं एक मेजर जो इसका रोल है वो इंडियन मीडिया का भी है, आप देखें इंडियन मीडिया आप खोलें तो उनके पास पाकिस्तान के अलावा कोई बात ही नहीं है करने को, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान अभी इन्होंने रिसेंटली हमारा एक वो डैम बनाया जैसे पानी वगैरह रुक गया तो उस पर भी उन्होंने अब हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, तो वो प्रोपोगेंडा मतलब इसके ऊपर इतना करते हैं कि वो जाहिर सी बात है रावी का पानी रोका तो वो तो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से वो रावी उन्हीं का ही था, 3 दरिया उनको मिले 3 हमें मिले, अब उनकी मर्जी वो रावी का पानी छोड़ते हैं नहीं छोड़ते बंद करते हैं, मीडिया को कोई चीज़ तो चाहिए बात करने के लिए, तो जाहिर है मीडिया चलते हैं। अब मैं भी तो बात ही कर रही हूँ ना कि वो जो विजिटर है 25,500 इंडियन जो विजिटर है वो नेपाल जाके उन्होंने इस साल विजिट किया है, जो कि 25% रेशो है टोटल टूरिज्म की, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारे फॉरनर्स हैं इंडियंस भी एज अ फॉरनर ही आएंगे, कैनेडियन भी अमेरिकन भी, तो इस मुल्क को कोई एक्सप्लोर क्यों नहीं करना चाहता? देखिए ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक्सप्लोर करना नहीं चाहता, क्योंकि जितने अल्लाह ताला ने ब्यूटी पाकिस्तान को दिया, और जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और ये जो सारे का सारा आपके सामने है, मतलब स्विट्ज़रलैंड के हिसाब कई लोग इसे कर देते हैं कैसे, तो ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहता, बस वो जो मैं मीडिया वाली बात है वो अनकॉन्शियस में ये बात डाल दी गई है कि पाकिस्तान सेव मुल्क नहीं है, एक सेव वाला चीज़ आ जाती है आपकी, और दूसरी बात ये है कि कुछ हमारी वो एट द एंड वही बात आ रही है एस्टेब्लिशमेंट और वो सारा कुछ वैसा हम नहीं मैनेज कर पा रहे कि जिससे मतलब
टूरिज्म, हाँ टूरिज्म। सर अगर अगर मैं धर्म की बात करूँ, रिलीजन की बात करूँ, तो हिंदुइज्म की अगर बात करें, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर हैं सर, अगर हम हिंदुओं को यहाँ पर सेफली विजिट करवा सकें, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे जो कौमी खजाने हैं वो नहीं भरना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आप हिंदू छोड़ें, हम सिखों का वो जो एक मेन उधर है, गुरुद्वारा है, वो ननकाना साहब में, तो अगर आप वो करें और आप उसके ऊपर, जाहिर सी बात है हुकूमत का काम है कि वो मतलब टैक्स जनरेट करे, अपनी वो आमदनी को बढ़ाए, तो अगर आप कुछ मतलब मेनली कुछ ऐसी बातें कि जो ये जी है इंडिया ऐसी ये देना गाल नहीं करनी, इस तरह लेके चलेंगे तो फिर ऐसे ममालिक नहीं चला करते। आपको कहीं इससे थोड़ा सा लचक दिखानी पड़ती है, हाँ, ताकि इससे फिर आगे वो बेहतर हो। मैं तो कहूँगा कि होना चाहिए, क्योंकि आने चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हक नहीं मिलते। आप देखें, मेरे कई दोस्तों में ऐसे दोस्त हैं कि जो मेरे मजहब से नहीं, लेकिन कभी बात में हमारा ऐसा नहीं होता कि उसे हमने ये कहा है वो कहा। अच्छी बात है, कहीं हक नहीं भी मिलते, कहीं हक मिल भी जाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पर कि जो मंदिर हैं उनको अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया जाए और उनको टूरिज़म के लिए ओपन कर दिया जाए। जैसे हिंगलाज माता मंदिर बलोचिस्तान में सर बहुत बड़ा मंदिर है, उसके बाद आप शारदा पीठ देखिए कश्मीर में, जिसको वो तड़पते हैं कि यार हमने यहाँ पर आना है, हम डॉलर्स लेके आएंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, आपकी गुर्बत दूर होगी, लेकिन जो चीज़ें हमें प्रॉफिट दे सकती हैं, जो चीज़ें हमें मुनाफा दे सकती हैं, हम उसकी तरफ जाते नहीं। बस ये है कि इंडिया से कश्मीर ही लेना है, बस वो लेके ही रहेंगे, फिर ही हमारा दम निकलेगा। चलें बस, अब इस पर यही बात की जा सकती है कि अब इसका क्या, इस सोच का कोई हल नहीं है। अगर आप बहस करने पे आ जाएं तो वो तो फिर एक अगर इंसान ने सोच लिया, इश्फाक अहमद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि हम इसलिए नहीं सुनते कि हम कुछ सीखें, हम इसलिए सुनते हैं कि हम जवाब दे सकें। तो मेनली ये जो चीज़ है कि हम लोग इसमें सीखना चाहते नहीं, हम कहते हैं यार इंडिया है, पाकिस्तान है, ना तुसी इधर आओ, ना ऐसी वो, तुम वहाँ, ये हम यहाँ, वो तो इस सोच को फ़ायदा नहीं, मैनेज करना चाहिए। तो हम काफ़ी चीज़ों से दूर हैं, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों पे हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है लेकिन उस लेवल का नहीं है, ठीक है, हमारे पास हर चीज़ है लेकिन नेक्स्ट लेवल पे नहीं, क्योंकि इस टाइम जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है, जिस तरह आइए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, ठीक है, अभी हमारा जो मुल्क है ना उस लेवल पे नहीं है। उसका रीज़न ये है, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कंपनीज यहाँ पर नहीं आनी चाहती, इससे बड़ी और क्या बात है। यूट्यूब का ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, फेसबुक का है इंडिया में, उसके अलावा अमेज़ॉन इंडिया में चल रहा है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में चल रहा है, ठीक है, किस किस की बात करें यार, डेफिनेटली बिजनेस उन्हें मिल रहा है, जिस वजह से वो लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको टोकेंगे की बात है, देखिए इंडिया का जो टूरिस्ट है वो श्रीलंका जा रहा है, मालदीव जा रहा है, नेपाल जा रहा है, भूटान जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, हर जगह जाता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि वो एक रिच कंट्री है, उनके पास बिजनेस है, इस वजह से उनके पास पैसा है, तो वो जा सकते हैं आउट ऑफ कंट्री, लेकिन पाकिस्तान में बहुत से पुराने मंदिर है जिसको इंडियन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर सनातन धर्म की संस्कृति की बात करें तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं, गुरुद्वारे ऐसे हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले ये हिंदुस्तान ही कहलाता था, वो यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन क्या वजूहत है कि उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं बन पा रहा, आना भी चाहते हैं लेकिन आ भी नहीं रही। देखें, जिस तरह इंडिया में हम जाना चाहते हैं, वहाँ के जो सिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली कश्मीर, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, केरला हो गया, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं। जो टूरिस्ट शायकीन है ना, वो इस चीज़ को लाइक करते हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान से बरार भाई नादिर जो इंडिया गए थे उन्हें बड़ी इज्जत मिली थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के थोड़े क्लैशिस की वजह से हम आपस में बैठ नहीं रहे, जुड़ नहीं रहे। हाँ, हमारे अगर बॉर्डर ओपन हो तो बिलीव करें कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इंडिया जाए और इंडिया वाले पाकिस्तान आए। हमारा कश्मीर देखें वो इतने क्राइसिस में है, अगर शारदा पीठ देखें वो 56 शक्ति पीठों में से एक है जिसको सनातनी चाहते हैं कि हम वहाँ पर आए। सर अगर वहाँ पर जैसे करतारपुर कॉरिडोर की तरह हम जो है शारदा पीठ एक कॉरिडोर बना लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। हम जो कमाना चाहते हैं, अगर इंडिया से हम चाहते हैं कि हम इंडिया से कुछ कमाई करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टूरिज़्म है। हिंगलाज माता का मंदिर बलोचिस्तान में देखें, वो भी शक्ति पीठों में से एक है। तो जो चीज़ हमारे पास है
है, हमने उसको अपनी जिहादी सोच की वजह से, अपनी जो कहते हैं ना कि अनफ्रेंडली इंडियन पॉलिसीज की वजह से जो है हम उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देखें यहाँ पे ना जिहादी सोच या फिर एक्स्ट्रा कंट्रोवर्सी की बात नहीं होगी। हाँ। बात सिर्फ सिंपल सी है कि देखें आप बॉर्डर खोल लेते हैं, अगर वहाँ के लोग यहाँ पर आकर कोई ऐसी हरकत कर जाती है, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या इल्ज़ाम इंडिया पे जाएगा? हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर जाके कोई इलीगल एक्टिविटी कर देते हैं, सपोज नहीं भी करते तो क्लैशेस दोबारा होंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हुए हैं हम अपने अपने मुल्क में ठीक है, अगर आज डोर खोल दें, ये आप लिख लें, ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि यार हमारे जो आपस में जो लोग हैं ना वो एक दूसरे को मिलना चाहते हैं, ठीक है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप बनी और डिफरेंट है, ठीक है, हमारे लोग आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बॉर्डर खोलने की वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसानात का हमें जो है ना वो खजाना पेश करना पड़ेगा। समझौता एक्सप्रेस थी जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो देखिए ताल्लुकात कितने ख़राब हुए। देखें ये छोटी छोटी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने नहीं भी की ना, अब देखें इंडियंस पाकिस्तानी को अगर लाइक नहीं करते, स्पोर्ट्स ठीक है, पाकिस्तानी को लाइक नहीं करते, कोई इंडियन ही ऐसी ही हरकत कर देंगे, ठीक है, पाकिस्तानी बन के ब्लेम किसे आया, पाकिस्तानियों ने आकर ये कर दिया, या फिर पाकिस्तानी, वैसे भी पाकिस्तान को बिला वजह बदनाम किया जाता है, पाकिस्तान बदनामी के लायक नहीं है, पाकिस्तान बड़ा पीसफुल और बड़ा ही अच्छा मुल्क है, वो एक वो देखिए। लेकिन इंडियंस की अगर बात करें, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करते हैं सर, आज तक हमने उनसे रिलेटेड कोई बुरी बात नहीं सुनी, उनके खिलाफ आज तक कोई गेट आउट कंपेन नहीं है, लोग उनको वेलकम करना चाहते हैं, ब्रिटेन उनको 3000 वीज़े दे रहा है, सऊदी अरब उनको वीज़ा दे रहा है, यूके उनको फ्री वीज़ा दे रहा है, अभी पता नहीं 32 या 36 से ज़्यादा बल्कि 50+ ऐसे कंट्रीज़ हो गए हैं जहाँ पर इनको ऑन अराइवल वीज़ा मिल रहा है, तो सर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, वो कहते हैं हम पीस प्रमोट करते हैं। देखें हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, शायद जितना हम पीस प्रमोट करते हैं ना शायद इंडिया वाले भी नहीं करते होंगे, क्यों? देखें भाईचारा, यहाँ पे सबसे पहले मेहमान नवाजी, यहाँ पे कोई भी सिख आ जाए, कोई भी इंडियन आ जाए, उसके बाद पैसे न हो, किसी भी दुकान पे चला जाए, पैसे हो भी, अगला कि मैं इंडिया से आया हूँ, यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाएंगे, फर्स्ट आप इंडिया के जो बड़े बड़े यानी के लोग हैं, सेलेब्रिटीज़ हैं अभी तक जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, ठीक है, आप उनके रिकॉर्ड या फिर उनके इंटरव्यूज़ उठाकर देख लें, अपने मुँह से कहते हैं कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज हैं, हम वाकई ही मेहमान नवाज हैं। वो कहते हैं ना जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बुरी चीज़ें भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंकशाफ फैलाने वाले होते हैं, लेकिन उस वजह से हर कोई गंदा नहीं होता, एक मछली गंदी होने की वजह से पूरा तालाब ज़रूर गंदा होता है। अच्छे बुरे लोग जो है हर जगह होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ जो इंडिया और पाकिस्तान की जो जो टूरिज़म है या जो हमारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है टूवर्ड्स इंडिया या उनकी टूवर्ड पाकिस्तान, इसको आगे क्या आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी या जो 77 साल गुजर गए अगले 100 साल भी यही रहना है? देखें अगर हमारी गवर्नमेंट टेबल पे बैठ के बात करती है, टेबल टॉक करती है, तो बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं हल हो सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर टूरिस्ट ओपन होते भी हैं, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस रखी जाएँ, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएँ, कुछ एरिए बनाए जाएँ कि जहाँ तक आप जा सकते हैं और क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं अगर उसको फॉलो किया जाए, तो मेरे हिसाब से कोई भी नुकसान नहीं किसी को उठाना चाहेगा। सर अगर नेपाल की बात की जाए तो 25,500 के करीब जो इंडियन विजिटर हैं उन्होंने नेपाल को जी विज़िट किया है, और अगर ये देखा जाए तो नेपाल की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है इंडिया के लोगों की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया और तीसरी बनने के ख्वाब देख रहा है, तो सर वो जो है अपने अवाम को जी सर्व करता दिखाई दे रहा है, अवाम की जेबों में जी पैसा है जो वो दूसरी कंट्रीज़ में जा के जो है उनके इकोनॉमी के अंदर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन उधर स्पेंड कर रहे हैं और अपने मुल्क के साथ साथ दूसरी गरीब कंट्रियों को भी प्रोस्पेरस बना रहे हैं। अच्छा आपने इसमें एक बात की है ना पैसे के हवाले से, क्योंकि टूरिज़म इंडस्ट्री जो अब कोई भी आप कोई काम करते हैं ना तो उसके लिए सबसे बड़ी शर्त पैसा ही है। अब उसमें यह है कि उन्होंने ओवरऑल जो अपनी आवाम के लिए किया है ना उसमें उसकी आवाम का भी कंट्रीब्यूशन है और उसकी उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है। उसके अलावा जो आप बात कर रही हैं ना टूरिज़म के हवाले से, तो टूरिज़म से अब एक मतलब उनकी नेपाल की तो करेंसी जैसे आप कह रही हैं ना वो एक रिसेशन से निकल के अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो एज ए पाकिस्तान है ना तो पाकिस्तान टूरिज़म के अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं ना तो उससे ये नहीं होगा कि हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री बढ़ेगी, उससे ओवरऑल इंडिया दुनिया की जैसे आप कह रहे हैं थर्ड वो
बड़ी वो इकोनॉमी बननी जा रही है, तो उससे ये होगा कि आपको एक आलमी मंडी मिल रही है। पूरी दुनिया मतलब चाह रहा है कि हमारा इंडिया के साथ मतलब एक अच्छा रिलेशन बने। अभी आपने देखा है जो उसकी अंबानी की बेटे की शादी हुई, उसमें आपने देखा है कहाँ कहाँ से लोग हैं, बिल गेट्स, पावर वहाँ पे, मतलब ये चीज़ है कि दुनिया चाहती है क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज है, उनको पता है कि हमने ग्रो करना है, और उसके अगेंस्ट अब पाकिस्तान है। अब ये चीज़ें हैं ना, अगर हमारे और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाएगी, क्योंकि उसमें यह है कि जो हम अपना डिफेंस का बजट लगा रहे हैं इंडिया, और इंडिया भी इस चीज़ में मतलब है, इससे हम दोनों रिलैक्स हो कि हम ये देखें कि हमारी फ्यूचर में नीड क्या है, मतलब हमें किस चीज़ पर काम करना है। उससे ये होगा कि हम अपनी सेहत पे, एजुकेशन पे, और ये स्टैंडर्ड अब पाकिस्तान का वीज़ा देख लें और उसका वीज़ा देख लें, दुनिया मतलब इंडिया चाहती है, इंडियन मतलब बाहर देखे वो तजारत कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है, क्योंकि उनके पास, मैं फिर वही बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी मंडी है इंडिया। इस वजह से अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ और हमारे उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं ना, सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं, हमारी तकरीबन अच्छे होने चाहिए। मैं आपकी बात को 100% एग्री भी करती हूँ और सपोर्ट भी करूँगी इस मामले में आपको कि वाकई अच्छे होने चाहिए। सर, जो टूरिज्म होती है ना, या जो अगर हम कहें टूरिस्ट इंडस्ट्री का ताल्लुक मुल्क में पीस से भी होता है। अगर हम बात करें कि मुल्क पाकिस्तान में इंडियन क्यों नहीं आते, मुल्क पाकिस्तान में बाहर से लोग क्यों नहीं आते, ज़रा थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलूंगी। यहाँ पर वो चाइनीज़ बेचारा इंजीनियर था, वो उसको भी जो है सर तन से जुदा बेचारा, बड़ी मुश्किल से यहाँ से भागा। फिर वो श्रीलंका के जो मैनेजर थे सियालकोट में, उनको भी जी क्या उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में उसकी भी जान चली गई। वो जो हलवा वाला केस, वो भी बाहर से ही मोहतरमा आई थी, बाहर का लिबास उन्होंने पहना होता जिसके ऊपर हलवा वर्ड लिखा हुआ था। किस तरह से वहाँ के कुछ ऐसे लोग, मकामी लोग थे जो कह रहे थे कि इसने खिलाफ वर्जी की है, तो लोगों के अंदर जो डर है पाकिस्तान को लेके वो भी बहुत बढ़ गया। इस्लामाबाद में आपने देखा वो जो एक माँ और बेटी आए हुए थे इस्लामाबाद मोनमेंट्स को एक्सप्लोर करने, लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। तो हमारे बिहेवियर आपको लगता है कि ऐसे हैं कि जो हम बाहर की नेशंस को वेलकम कर सकें? आपकी बात ठीक है, मतलब इस तरह के इवेंट्स हर जगह होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, मतलब आप पूरा मुल्क देख लें। 25 करोड़ की आबादी में अब ये नहीं होगा कि 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग अच्छे होंगे। अब उसमें ये जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं ये हर जगह ही होते हैं। अगर ये चीज़ देखी जाए ना, इंतहा पसंदी सबसे ज़्यादा इंडियन में है। ये मैं आपको मेरी बात सुने, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये चीज़ जैसे जो हलवा वाली बात कर रहे हैं, इसमें ना ये इंतहा पसंदी नहीं थी, ये इल्म की कमी थी। मतलब लोग उस चीज़ को इस तरह नरेट, मतलब उसका मतलब निकाल के वो बयान कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया में अगर होती तो बिल गेट जाके डोली चाय वाले के जो है रेडी पे चाय ना पीता, फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है रक्षे में ट्रैवल ना करते। सर, वो वहाँ पे पीस है तो दुनिया आ रही है ना, मिस मेरी बात सुने, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पीस है तो लोग अपने अरबों रुपए, जैसे आपने पहले कहा था कि आ रहे हैं। मेरी बात सुने, अभी जो कश्मीर में हुआ है, क्या हुआ कश्मीर G20 हुआ, हाँ, जो उन्होंने मतलब वो उसमें सारी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए हैं, मतलब वो जो पिछले आर्टिकल जब हटा था, हाँ हटा अभी नहीं, वो 2019 की बात, मेरी बात सुने, वो वही ना, 2019 की बात कर रहा हूँ। अब जो आप इंसिडेंट्स बता रही हैं ये भी बहुत पुराने हैं, ये नहीं है कि अब उनको ना दुनिया, असल में अब देखें जो गजा में हो रहा है, अब आप अमेरिकन को या हमारे लिए वो इलीट क्लास है, हमारे लिए रूल मॉडल है, पूरी दुनिया खामोश बैठी है। एक नहत्ते मतलब पीस की बात ये है कि ये इस चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा जो है ना, हाँ मैं ये कहूँगा हमारे मुल्क में ना इस्लाम की कमी है। अगर इस्लाम को हम अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ना, इस्लाम के नाम पे मुल्क बना और इसमें इस्लाम की कमी है, ये कैसी बात है? यही चीज़ है ना, हमने खुद को धोखे में रखा हुआ है। मैडम मेरी बात सुनिए, धोखा है, हमने खुद को धोखे में रखा हुआ, हम खुद को इस्लामी कहते हैं लेकिन हमारे तौर तरीके क्या है, ठीक हो गया। अगर इस्लाम को सही तरह पे इंप्लीमेंट किया जाए ना, अभी मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, आप ACCA की बॉक्स में देखें वहाँ इस्लामी फिनांसिंग है, और मैं सीए की डिग्री करके आया हूँ, मुझे इस्लामी फिनांसिंग का नहीं पता। उनको पता है कि इस्लाम की कितनी अहमियत है, हमें नहीं पता इस्लाम कितना अहम है हमारे लिए, क्योंकि वो लोग इस्लाम की अहमियत को जानते हैं। चले, ये एक बात मैं आपको यहाँ पे टोकती हूँ कि दुनिया इस्लाम को जानती है, लिखने वाला जानता है, लेकिन जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना वहाँ पर इस्लाम की कमी है। सर, यहाँ पर हम क्योंकि विजिटर्स की बात करें कि इंडियन विजिटर को अट्रैक्ट किया जाए पाकिस्तान में, यहाँ पर शारदा पीठ है, हिंगलाज माता मंदिर है, लाहौर में बेशुमार मंदिर है जिसको हिंदू एक्सप्लोर करना चाहते, विजिट करना चाहते, यहाँ पर वो अपने मंदिरों को देखना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को चूज नहीं करते हैं। हाँ ये ठीक है कि मतलब हर किसी, वो हमें खुद कहते हैं कमेंट्स में कि आप अपनी जो मुल्क की इकोनॉमी को सिर्फ अगर आप अपने मुल्क में पीस ले आए ना,
कि हम ये समझे कि हम यहाँ पर सेव हैं, तो यकीन करें आपकी इकोनॉमी को कहते ना चार पहिए लग जाएंगे, इतना इंडियन यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपको पता है 82% पॉपुलेशन वहाँ पर हिंदू है। मेरी बात सुने, आप जो बात कह रही है ना, मैं असल में ये है कि मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आपका व्यू औरों का, मेरा व्यू और होगा, हर कोई अपने मुताबिक सोचता है। अभी देखें IPL हो रहा है, पाबंदी किस पे है, पाकिस्तान पे है, आप डायरेक्ट इंडिया का वीज़ा लेके नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा कसूर सारा उनका है, कसूर इस तरफ भी है उस तरफ भी है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हैं ना, ये दोनों तरफ से हैं, और मुझे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे वो है कि एक ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन इंडिया की तरफ से ही है। तो इंडिया के डॉक्टर अजय शंकर का बयान नहीं आपने सुना जो बड़ा वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान जो है दिन में दोस्त होता है और रात में वो दहशतगर्द बन जाता है। तो मेरी आप एक फ्रेंड इन अ डे एंड टेररिस्ट इन नाइट, एक बंदे की ओपिनियन से आप क्या पूरे बोल वो, नहीं नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो तो जाहिर है जो बोलेगा दुनिया तो वही सुनेगी ना। तो मतलब 26/11 के बाद आप देख ले इंडिया का नैरेटिव तो यही रहा है। मेरी बात सुन, इंशाल्लाह ताला दुआ करें मैं भी फॉरेन मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं इंडिया के खिलाफ अच्छी खासी फेंकता रहूंगा। नहीं दोस्ती करेंगे ना, क्यों फेंकेंगे? नहीं ये मतलब आपने खुद कहा था कि बड़ी बड़ी मार्केट है, कैप्चर करना चाहिए। नहीं आपने खुद कहा था ना, मेरे पास काफी सारे, मतलब मैं इतना, मैं खुद को ये नहीं कहता मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ या कुछ, लेकिन मेरे पास भी काफी सारे आइडियाज है। अब जो बंदे मुल्क के फॉरन मतलब मिनिस्टर बैठे हैं या जितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे, इतने क्वालिफाइड बंदे बैठे हैं, उनके पास भी काफी सारा नॉलेज होगा, लेकिन ये क्या चीजें हैं जो बैक एंड पे उनको रोक रही है ऐसा करने से? मतलब कुछ तो है ना जो दोनों साइड को रोक रहा है। आवाम चाहती है कि हम मिलें, हमारे तल्लुकात अच्छे, बिल्कुल आवाम चाहती है, लोग भी जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो, हमें वो चीज़ मिले कि मतलब जो चीज़ के हम हकदार हैं, और वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अब मज़हब की बेस पे तो हम किसी को वो नहीं कर सकते, हमारा मतलब जब पाकिस्तान बना था तो कैद आजम ने यही कहा था हर किसी को इजाज़त है अपने इबादतगाहों में जाने के लिए हर चीज़ के, लेकिन इसमें अब मजहब वाला फैक्टर मैं कहता हूँ वो तो निकाल दिया जाए, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुल्क को विजिट, नहीं नहीं अगर ये बात आपकी ठीक है कि मजहब को साइड पर रखना चाहिए, अगर पूरी दुनिया सऊदी अरब की बात करें, UAE की बात करें, तो उनके टारगेट क्या है कि हमने टूरिज़म इंडस्ट्री को यहाँ पर जो है लॉन्च करना और बूस्ट करना है, तो पाकिस्तान का भी यही ख्याल होना चाहिए, और हमारे पास अच्छे खासे ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर टूरिस्ट डेफिनेटली आएगा। तो दुबई की बात करें, दुबई तो अब आलमी मंडी बन चुका है, मतलब वो एक इतनी बड़ी बंदरगाह, उसने खुद को कितना प्रमोट कर लिया। अब तो मैंने सुना है कि उन्होंने समंदर के थ्रू एक वो इंडिया और उनका एक एग्रीमेंट हो रहा है जिसके तहत उनका वो उधर से तेल आएगा और इधर से पानी जाएगा। मतलब ये है कि वो लोग तो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो उसकी तरह पॉलिसीज बना रहे हैं, असल में वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हुकूमत आ रही है, हमने पेट्रोल इधर ले आए हैं। अब मैं आपको बताऊं ना, हमारी इकानमी मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से अगले 25 साल पे, ये कहते हैं ना मतलब इमरान खान मैं ये नहीं कह रहा किसी की प्रमोशन कर रहा हूं, 25 साल तक इधर इंतहाई शरीफ इंसान भी बैठा जाए इसकी इकानमी सीधी नहीं हो सकती। अभी आपके वजीर आके कह रहे हैं जी हमारी टोटल जो कलेक्शन है वो 12,300 अरब है, जब हम सूबों का शेयर निकाल देंगे तो 5,000 वो निकल कितना बचेगा, 7,300, और हमने सूद कितना देना है, 8,000। अब जब नेक्स्ट पेमेंट करनी है तो आपने ज़्यादा कर्ज लेना है ना, अगली दफ़ा उससे ज़्यादा आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो इसलिए ये है कि ये इकानमी इस तरह नहीं चल सकती। अब आपने ना अपनी GDP को इम्प्रूव करना है, ना कि मतलब अब देखें अब हमारी जो इकानमी सबसे, ये तो हम एक और तरफ निकल जाएंगे जो फॉल आया है। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, देखिए जितने भी पाकिस्तानी यूथ से मैंने बात की उनका यही कहना है कि पहले खुद को जब आप दुरुस्त करेंगे ना तो डेफिनेटली दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, जब आपका मुल्क खुद मसलों में होगा तो कौन यहाँ पर विजिट करेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआओं में याद है कि वीडियो ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, मेहमानों की राय कैसे लगी वो भी कमेंट्स में बताएं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो लोग हैं पाकिस्तान में, देखिए हम सबकी बात नहीं करते, कुछ लोग हैं जो जिनकी मानसिकता कभी कहते हैं जाहिलपना से कभी बाहर नहीं निकल सकते, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है, जो अभी टीनेजर के जो लोग दिखे हैं जिनसे आप बात कर रही थी, तो उसमें क्या दिख रहा था कि उन लोगों के अंदर एक लीडरशिप को पहचानने की एक कला है, उनको एक चीज दिख रहा है कि मोदी ये काम कर रहा है तो मोदी देश के लिए काम कर रहा है, अगर ये कदम उठा रहा है तो देश के भले के लिए उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए उठा रहे हैं और अपनी जेब भरने के लिए उठा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से शैला खान ने एक बात बोली थी कि हमारे भारत के अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको हम अगर इनोग्रेट करें, इसको अगर हम बढ़िया से इसको हम जैसे साधा पीठ हो गया, हिंगलाज
माता मंदिर हो गया, इन सबों को अगर हम फिर से पुनरुद्धार करें, इसको फिर से बढ़िया से बनावा दे और हम अपने देश में शांति प्रिय तरीके से अगर यहाँ पर हम टूरिज्म को प्रमोट करें तो हमारे देश की भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे विषय पे बात हो सकती है, बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो वहाँ पे शारदा पीठ मंदिर है, उसके बाद हिंगलाज माता मंदिर है, क्या उसको इनॉग्रेशन होना चाहिए? अगर हो गया, बशर्ते अगर बाई चांस हो गया, तो क्या हिंदुस्तान के जो सनातनी हिंदू भाई हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, क्या वो सच में वहाँ पर जाएंगे? जिस हिसाब से वहाँ का माहौल है, वहाँ पर कोई ऐसा महीना नहीं होता जहाँ पर वो बम ब्लास्ट न होते, कोई ऐसा मस्जिद नहीं होता जहाँ पर ये अनाउंस होता हो और फट जाते हो, कोई भी ऐसा आज तक आपने पाकिस्तान की जितनी भी खबरें उठा के देखे, चाहे अफगानिस्तान से सटा बॉर्डर हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पीओके के अंदर जो उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उन लोग कहीं भी ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर इन लोग शांति प्रिय से रहते हो। और बात सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है, बाकी अदर कंट्री को आप देख ले, चाहे ईरान हो, इराक हो, फिलिस्तीन हो, चाहे वो जॉर्डन हो, जहाँ भी ये लोग रहते हैं वहाँ पर खुद तो शांति से रहेंगे नहीं और दूसरों को भी शांति से रहने देने वाला नहीं है। बस कमी क्या है, इनको शांति से रहना नहीं आता, दूसरों को शांति रहने नहीं देना चाहते। बाकी और भी देखे तो सऊदी अरबिया समझ गया है कि अगर हमें अपने देश को प्रमोट करना है तो हमें हिंदू को प्रमोट करना पड़ेगा, इसीलिए अबू धाबी में हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर बना है। पहली बार विश्व का सबसे पहला मंदिर है जो अबू धाबी में बना है। उसके बाद अब इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी कंट्री है जो अपने आप को यह बताने में लगी हुई कि हम भी हिंदुत्व को मानते हैं, हम भी हिंदुत्व का झंडा लेके आगे चल रहे हैं, तो वो भी हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं। अब श्रीलंका भी उसी राह पर चल चुका है, नेपाल भी उसी राह पर चल चुका है, और इसमें अगर सबसे बुरा हाल हुआ है तो वो हुआ है मालदीव का, क्योंकि मालदीव अकड़ चुका था। कहते ना कि जो झुकेगा नहीं वो समझ लिए टूटना रहता है उसका, इसीलिए मोहम्मद मुजी का भी हाल वही हो चुका है कि आने वाले समय में कुछ दिन में उनका भी जो हाल होने वाला वो होगा मालदीप में। बस मोदी जी ने किया क्या था, लक्षद्वीप में गए, बोला कि हमें तो अपने देश को प्रमोट करना चाहिए, लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए, बस इतनी ही बात, चार कदम चले पूरे मालदीव की अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा गई, कदम एकदम पूरा चौपट हो गया। तो बाकी आप लोग की इस वीडियो में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, दबा के शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आप लोगों के साथ में लेके आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में, आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग। चलिए कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं बढ़िया वीडियो एक और लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय राम जी की, जय श्री राम।